पावर ऑफ स्पीच। मैं अनिल शर्मा होलसम पर्सनैलिटी की सीरीज में एक नई वीडियो पावर ऑफ स्पीच लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले हमने सीरीज की पिछली वीडियोज में होलसम पर्सनैलिटी बनने के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए, जैसे थॉट्स, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस और ऑनेस्टी पर चर्चा की थी। आज हम एक और महत्वपूर्ण गुण यानी पावर ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे। दो लोगों या लोगों के छोटे समूह में आपस में विचार विमर्श की बात हो या लोगों के बड़े समूह के समक्ष अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने की बात हो, स्पीच या स्पीकिंग एक सशक्त माध्यम होता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग लोगों से बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। भाषा अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे मूल भावना ये होती है कि हम अपनी भावना को सुनने वाले तक पहुंचा सकें। पावर ऑफ स्पीच एक वाइड टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में पावर ऑफ स्पीच विषय पर इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पावर ऑफ स्पीच को हम दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो दो लोगों या लोगों के छोटे समूह में आपसी बातचीत या वार्तालाप, और दूसरे एक व्यक्ति द्वारा लोगों के छोटे या बड़े समूह को संबोधित करना। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द सुनने वालों पर गहरा असर डालते हैं। हमारे परिवार वालों से, हमारे समाज में लोगों से हमारे संबंध कैसे हैं या व्यक्ति के रूप में लोग हमें क्या मानते हैं, ये हमारी बातचीत या हमारे शब्द तय करते हैं। जब हम अपने परिवार वालों से, मित्रों से या अपने कार्यस्थल पर बातचीत करते हैं, तब जो हम बोलते हैं उसका इमीडिएट इफेक्ट हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स को या ग्रुप लीडर के रूप में एक छोटे समूह को या वक्ता के रूप में ऑडिटोरियम में बैठे हजारों लोगों को संबोधित करते हैं, तब हमारी बातचीत या स्पीच सुनने वालों पर क्या प्रभाव डाल रही है, ये हम भले ही इमीडिएटली ना देख पाए, लेकिन वो सकारात्मक या नकारात्मक असर जरूर डालती है। हमारे बोलने से, हमारे शब्दों के चयन से हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर असर आता है। कहते हैं हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एक और जहां इसका सीधा प्रभाव सुनने वाले पर आता है, वहीं दूसरी ओर यह हमारी पर्सनैलिटी को भी अभिव्यक्त करता है। एक व्यक्ति कम शब्दों में सटीक, सारगर्भित और सकारात्मक बातों को मीठा बोलकर दूसरे का दिल जीत लेता है और उन लोगों से सम्मान पाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति अनर्गल, तथ्यविहीन और नकारात्मक बातें करके दूसरों पर अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अभिव्यक्त करते हैं और वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोगों में ये गुण जन्मजात होता है और कुछ लोग इसे डेवलप करते हैं। अपनी स्पीच को पावरफुल या सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सकारात्मक और उचित शब्दों का चयन करना होगा। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो, यानी जिस बात को हम कहना चाहते हो शब्द भी वही व्यक्त करें। दूसरे, हमारी बातों में सच्चाई हो और सिंसियरिटी हो, यानी जो बात हम कह रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित हो। हम जो विचार व्यक्त करते हैं भले ही वो विचार हमारे मस्तिष्क के द्वारा निर्मित हो, लेकिन वो विचार हमें दिल की गहराई से व्यक्त करने चाहिए। अपनी बातों को सहजता से और सरलता से व्यक्त करना चाहिए। हमारी बातें सकारात्मक हों, उत्साहवर्धक हों, और सबसे बड़ी बात, हमारी बातचीत आदेशात्मक ना हो। हम दूसरों को सम्मान प्रदान करते हुए अपनी बात कहें। हमारी बातचीत सभ्यता के दायरे में हो, यानी कोई भी अशोभनीय बात हम ना कहें। हम शांति से हैप्पी रहते हुए, मुस्कुराते हुए और बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात रखें तो बेहतर होता है। हमारी बातें गुड न्यूज़ स्प्रेड करने वाली होनी चाहिए
और इन सब के अलावा अगर हमारी बातें मिठास से भरी होंगी तो सुनने वालों पर उन बातों का बहुत गहरा असर पड़ेगा। इससे एक और जहां हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकेंगे, समाज में हम सम्मान के अधिकारी होंगे, वहीं हम अपने विचारों से समाज के बड़े समूह को एक नई दिशा प्रदान कर सकेंगे और होलसम पर्सनैलिटी बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और होलसम पर्सनैलिटी सीरीज की आने वाली वीडियोस को सुनने के लिए अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।